नमस्कार, मैं हूं रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। वृंदावन एक पवित्र शहर है जो हिंदू संस्कृति और इतिहास से भरपूर है। वृंदावन का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण की छवि मन में आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया है और ये उनकी पूजा के लिए 5000 से ज़्यादा मंदिरों का घर है। वृंदावन यहाँ आने वाले भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति और आनंद का स्थान है और इसी आध्यात्मिक शांति और आनंद की तलाश में कई बुजुर्ग विधवाएं यहाँ आती हैं। परंतु अफसोस की बात है कि उनके दिन अक्सर चिंता या घबराहट में बीतते हैं, क्योंकि वो भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करती हैं और साथ ही इस वृद्ध अवस्था में अनेकों बीमारियों से पीड़ित होने के कारण इन माताओं के पास एक ही रास्ता रह जाता है और वो है भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना। वृंदावन की अधिकांश विधवाएं वे बूढ़ी माएं हैं जिन्हें उनके बच्चों ने त्याग दिया है और आज इन्हीं बेघर माताओं के हित में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्योर डिवोशन फाउंडेशन के संस्थापक HG सुंदर गोपाल दास जी, जिन्होंने BCOM ऑनर्स और MBA जैसी डिग्रियां हासिल करने के उपरांत 2011 से वृंदावन में आध्यात्मिकता और सेवा का जीवन अपनाने का फैसला किया। तो आइए मिलते हैं प्रभु सुंदर गोपाल दास जी से, जिनकी प्योर डिवोशन फाउंडेशन हजारों बेघर माताओं को राशन और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है और साथ ही उनके लिए आश्रय घर का निर्माण करवा रही है। सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस खास एपिसोड में। आज आपके सफर से जुड़ी बेहद बातों के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगी, बहुत कुछ आपके सफर के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आज का हमारा जो शिक्षित वर्ग है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन की ओर रुख कर रहा है, तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हम देखें, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखे गए, जो कि इस्कॉन संस्था के फाउंडर चाह रहे हैं। तो उनसे भी प्रश्न पूछा गया था कि विदेश में तो सब कुछ है, आज से 1970 में उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो विदेश में तो वो सब कुछ है जो इंडिया के लिए एक ड्रीम था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया में ना उस समय गाड़ियाँ थी, ना रोड्स थी, ना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वो विदेशी लोग जो है सब छोड़ छोड़ के वृंदावन आने लगे। और आज हम सब जानते हैं कि वृंदावन में कितने विदेशी लोग हैं जो पूरे विश्व से वहाँ पे आके सब कुछ छोड़ के भजन कर रहे हैं। तो जब ये प्रश्न शीला प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि ऐसा क्या है कि वो लोग वृंदावन में आके रह रहे हैं, नहीं तो हमारे माइंड में एक सिंपल सा धारणा ही होती है कि अगर हम वाराणसी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे आके अपना जीवन भीख मांगते हैं और कुछ राम राम बोल देते हैं या नाम ले लेते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सब कुछ छोड़ के कैसे वहाँ पे आ रहा है और अपना फुल टाइम उसमें दे रहा है? तो शीला प्रभुपाद जी ने इसमें तीन एनालॉजी दी थी कि तीन जेल है, जेल 1, जेल 2, जेल 3। जो जेल नंबर 1 है उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे AC भी लगा हुआ है, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे पब भी है, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन भी है, जो सारी फैसिलिटीज़ आपको एक मिल सकती है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जेल नंबर 1 में है। फिर जेल नंबर 2 है जहाँ पे एक लाइट है, एक पंखा है, दिन में एक बार ही खाना खाने को मिलेगा। और फिर है जेल नंबर 3 जहाँ पे लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, और खाना भी 3 दिन में एक बार ही खाने को मिलेगा। अब जो जेल नंबर 3 में बैठा है वो क्या इच्छा करेगा? काश मैं जेल नंबर 2 में चले जाऊँ। जो जेल नंबर 2 में बैठा है वो क्या इच्छा करेगा? मैं जेल नंबर 1 में चले जाऊँ। और जो जेल नंबर 1 में बैठा है वो क्या इच्छा करेगा? मेरे से सारी फैसिलिटीज़ ले लो, मुझे जेल के बाहर निकाल दो, यही वो इच्छा करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में ये जो भौतिक संसार है इसको भगवान का कारागार बताया गया है। और जब एक शिक्षित व्यक्ति को ये पता चलता है कि कैसे वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर को क्रॉस कर सकता है, कैसे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, जो हर हिंदुस्तानी जो भी जिसका भारत में जन्म हुआ है उनके कहीं ना कहीं हृदय के अंदर ये होता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो जैसे ही उनको एक साधु संघ मिलता है, उनको एक ठीक फिलॉसफी सुनने को मिलती है, तो वो उस मार्ग में और आगे बढ़ पड़ते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे हमने देख लिया कुछ भी नहीं है, अब हमें भगवान की प्राप्ति की और आगे बढ़ना है। और जिसके पूर्व जन्मों के बहुत स्ट्रांग संस्कार होते हैं, जो पूर्व जन्मों से सब करता हुआ आ रहा है, जैसे ही उसको ये चीज़ मिलती है वो एकदम से इसमें आगे बहुत उत्साह के साथ बढ़ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि आज बहुत सारे लोग जो है जो कृष्ण की कथा सुन के अनेक अनेक भागवत वक्ता हैं वृंदावन में, और वो अपना सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आके भजन कर रहे हैं।
तो यही एक कारण है कि क्योंकि वो इस मटेरियल वर्ल्ड की जो ड्यूअलिटीज हैं, इसकी जो मिजरीज हैं, उसको उनकी अनुभूति हो चुकी है। जेल नंबर वन में रहते हुए सारी सुख सुविधा होते हुए भी है तो वो जेल ही ना, उनको उसकी मिजरीज का अनुभूति हो चुकी है, तभी वो व्यक्ति ही सब कुछ त्याग के भगवान की भजन की ओर अग्रसर होता है। तो क्या आपको भी यही अनुभूति हुई थी कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया है ऐसी कोई बात जिससे आपने को अध्यात्म और कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया? मैं कॉलेज के डेज में मेरा अच्छा एक खासा बिजनेस था जिसमें मैं कॉल सेंटर्स को कैब्स प्रोवाइड करता था और मोर देन 100 कार्स का फ्लीट भी था। मुझे ये पता था कि पैसे कमाने पर भी उस टाइम पे भी कॉलेज डेज में जहाँ पे लोग 10-20 हज़ार की पॉकेट मनी उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और 2008-09 में उस समय मैं बहुत हैंडसम मनी कमाता था, 5-5, 6-6 लाख रुपये मंथली हम उस समय कमाते थे। तो ये एक अनुभूति हो चुकी थी उस समय कि पैसे में सुख नहीं है। सुख कहाँ पे ये मुझे पता नहीं था। हाँ, पैसे में एक रिलेटिव हैप्पीनेस है, एक होता है रिलेटिव हैप्पीनेस, एक होता है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर कोई भी दुख आपको टच नहीं कर सकता, और रिलेटिव हैप्पीनेस क्या है, वो आता है वो जाता है। जैसे हमने एक नया फ़ोन लिया, रिलेटिव हैप्पीनेस होगी, डे वन बहुत अच्छा लगेगा, डे टू डे थ्री फिनोमल हो जाएगा, बस ठीक है। तो एक जो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ये मुझे पता था कि वो यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है ये भी मुझे नहीं पता था, बट ये पता था कि यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही शीला प्रभुपाद जी की कुछ बुक्स मिली, इस्कॉन के भक्तों के टच में आए, तो फिर पता चला कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है, और आज पूरा विश्व वहाँ पे आके उस हैप्पीनेस की सर्च की ओर बढ़ रहा है। और कृष्ण का तो अर्थ ही यही है, कृष्ण कृषि भूवाचक शब न च निवृत्ति वाचक, जो क्या करते हैं कृष्ण मतलब सबको आकर्षित करते हैं, और न मीन्स फिर सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो जो एक एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का मार्ग है वो वृंदावन ही है। और एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये संस्था है प्योर डिवोशन, ये किस तरह से काम कर रही है? इसमें हम जो वृद्ध माताएं हैं जिनको उनके ही पुत्रों ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और उनको वो पूछने भी नहीं आते कैसी हैं, क्या रह रही हैं, कहाँ पे हैं, तो वृंदावन में ऐसी आज हजारों वृद्ध माताएं रहती हैं, इसलिए वृंदावन को सिटी ऑफ विडोज के नाम से भी जाना जाता है आज की डेट में। तो वहाँ पे हम उन माताओं को हर महीने ग्रॉसरी किट्स उपलब्ध करवाते हैं जिसके अंदर दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, हल्दी पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उनको हम देते हैं, जिससे उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए उनको ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े, जगह जगह पे जाके सबसे मांगना ना पड़े, तो हम ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसी 800 से भी अधिक माताएँ हैं जो हमारी वेबसाइट पर, जिनकी पूरी लिस्ट है, जिनको हम हर महीने ये सब चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। और इन द मीन टाइम हम लोगों ने इनके रहने के लिए भी अब आश्रम्स का निर्माण करना स्टार्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम इनके लिए बहुत सारे वहाँ पे वृंदावन में, गोवर्धन में, राधाकुंड में बिल्डिंग्स बनाएंगे जिसमें ये अपना आराम से रह भी सकें। तो कैसे शुरुआत हुई थी और कितने लोगों की टीम अभी तक जुड़ चुकी है आपके साथ? इसकी शुरुआत हुई थी कोविड में, जब वृंदावन में कोई भी नहीं आता था, गोवर्धन में परिक्रमा देने भी कोई आ ही नहीं सकता था, तो वहाँ पे हम लोग उस समय वृंदावन में ही थे, तो देखा कि ये माताएं जो है हमें अप्रोच कर रही हैं कि हमें कुछ मिल जाए, चावल मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो राधाकुंड का दिन था, द्वादशी तिथि थी, मैं सुबह वहाँ पे कुछ माताओं ने मेरे से चावल मांगे, मैंने किसी दुकान से खरीद के दे दिए, और जब 4-5 को देने लगे तो उतने में देखा 4-5 और आ गई, 4-5 और आ गई। फिर अगली द्वादशी तिथि में मैं अपनी गाड़ी में लगभग 70-80 चावल के बैग्स लेके गया और सबको दिए, तो देखा उससे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और इनका जो एकमात्र जीवन निर्वाह है वो होता है यात्रियों से, यात्री आते हैं कुछ देते हैं उसी से इनका जीवन निर्वाह चलता है। तो फिर उस समय इनकी प्रॉब्लम्स विटनेस करी और फिर मैंने कुछ लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे जहाँ हमने 5-7-8 माताओं से शुरू किया था, फिर लोग जुड़ते गए और अभी 800 से भी अधिक माताओं को हर महीने हम लोग राशन दे पाते हैं। और फिर आगे इनकी प्रॉब्लम्स देखा तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं होता कि हमें बीपी है, कईयों को पता ही नहीं होता हमारी शुगर भी है क्योंकि कभी चेक करवाते ही नहीं है। तो हम लोगों ने राधाकुंड पे हर 15 दिन में डॉक्टर्स विजिट कराने शुरू करे, जो पिछले ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हो चुके हैं, अभी इस कार्तिक में 2 साल हो जाएंगे। उसके माध्यम से इनकी जो हेल्थ है वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हुई, इनको रेगुलर मेडिसिन मिलनी स्टार्ट हुई। अब आगे इनके लिए हम नेक्स्ट स्टेप एक और प्रयास कर रहे हैं शेल्टर होम्स का।
इस उद्देश्य के लिए काम करते समय किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना था? वैसे तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक कहावत है, आपने सुना होगा, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो सारी दुनिया ही भिखारी है, दाता एक राम है। हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको बचाने की भी शक्ति नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पचामी अन्नम चतुर्विधम, जो तुम खाना खा रहे हो उसको पचा भी मैं ही रहा हूँ, भगवान ही पचाने की शक्ति देते हैं जो हमारे पेट में जठर अग्नि होती है। तो हम कभी भी किसी के अन्नदाता बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमें अन्न प्राप्त हो रहा है जब हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो हम कैसे किसी के अन्नदाता हो सकते हैं। हमें सच बताऊँ तो कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, बस सेवा की इच्छा करी और सारा कुछ भगवान ने ही अपनी व्यवस्था बनाई। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहमियाम, भगवद गीता का श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो मैं उसका सारा भार खुद वहन करता हूँ। जैसे एक राजा है, किसी राजा ने बोला कि चलो ठीक है आज से आपके पास जो भी राशन आपके घर पर लगेगा मैं लेके आऊँगा, तो राजा खुद तो नहीं लेके आएगा, वो क्या करेगा, मंत्री को, सेनापति, किसी को भेजेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये फिलॉसफी नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं वहन करता हूँ, मैं खुद अपने कंधे पे लेके आता हूँ उनके लिए। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन मिश्र, बहुत गरीब थे, ब्रज में रह के भजन करते थे। जब उन्होंने श्लोक को पढ़ा उनको थोड़ा डाउट हुआ कि भाई मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास दो वक्त की रोटी ही नहीं है खाने को, और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके लिए सब कुछ वहन करता हूँ, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये श्लोक किसी ने बाद में ऐड करा होगा, लाल कलम से उस श्लोक को काट दिया। भिक्षा मांगने के लिए जब जाते थे, घर में एक ही जोड़ी कपड़ा था, एक फटा हुआ था, तो फटा हुआ अपनी पत्नी को देके उसका जो साड़ी होती है उसको धोती की तरह पहन के जाते थे। पीछे से एक छोटा सा बालक आया, दरवाज़ा खटखटाने लगा कंधे के ऊपर बहुत सारा वजन रख के, तो बच्चे ने ही बाहर से एक वस्त्र फेंका ताकि वो जो अंदर उनकी पत्नी है वो अच्छा वस्त्र पहन के दरवाज़ा खोल दे, और देखा एक छोटा सा बालक है, उसकी पीठ के ऊपर इतना सारा दाल चावल चीनी आटा सब लदा हुआ है। बोला कि भैया ये किसने किया, तो उसने बोला भैया आपके पति को आज बहुत सारी भिक्षा मिली थी, अकेले उठा नहीं पा रहे थे, मेरे पीठ पर लाद दिया और बोले जाके मेरे घर पे देखे आ जाओ, और देखा उसकी पीठ पे बेचारे के जख्म हो गए छोटे से बच्चे के। पत्नी अपने पति को कोसने लगी अर्जुन मिश्र को, बोली तुम बैठो तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। उतने में अर्जुन मिश्र आए तो देखा बच्चा तो है नहीं वहाँ पे, और उनकी पत्नी इनसे लड़ रही है कि देखो आपने क्या किया, छोटे से बच्चे को जख्म हो गया इतनी, उसके आपने कंधे पे वाहन डाल दिया। तो बोला कौन सा बच्चा कौन सा सामान, आज ही मुझे भिक्षा में कुछ मिला नहीं है। तो बोली ये क्या है जो इतना सारा सामान पड़ा है। तो एकदम से दिमाग घूमा, जाके भगवत गीता देखी, जिस श्लोक को काटा हुआ था वो श्लोक वापस भगवान उसको ठीक करके चले गए। तो सबका पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण ही है, ये मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, बट हाँ कि हमारे मन में एक सेवा की भावना थी, और उस सेवा की भावना के लिए जब हम आगे बढ़े तो सारी व्यवस्था कृष्ण ने ही बनाई, भगवान ने ही सारी व्यवस्था बनाई। मतलब मेरे पास तो कुछ था भी नहीं कि मैं उनको दे पाऊँ, मैं तो खुद ही एक साधुमय जीवन है, और अपने आप ही ऐसी व्यवस्था बनती गई कि जितनी भी माताएं आती थी उन सबको देते गए। हमने तो ऐसा भी देखा, जब हमने ब्लैंकेट्स कैंपेन स्टार्ट किया था, सर्दी का समय था, तो हमने कहा सबको चलो ब्लैंकेट्स देते हैं, और हमारे पास 25,000 ब्लैंकेट्स आ गए। सोचिए अब हमारे पास ये हो गया कि हम बांटे तो कितनों को बांटे, बांट बांट के हम थक गए। फिर हमने एक माधवास फाउंडेशन है उनको भी हमने बुलाया, और बहुत सारी संस्थाओं को बुलाया कि आप हमसे लेके जाओ और आप भी बांटो। यहाँ तक कि माताओं के अलावा फिर हमने जो वृद्ध माताएं, जो अन्य वृद्ध माताएं हैं जो बाहर से नहीं आई वहीं पे रह रही है, उनको भी हम लोगों ने दिए। तो भगवान ही हमेशा सारी व्यवस्था बनाते हैं, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं आज तक इस कार्य में कभी भी, और ये भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम तो सिर्फ कार्य कर रहे हैं, करवा तो वही रहे। बिल्कुल, जहाँ पे कर्ता अभिमान होता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे ये भाव हो जाते हैं भाई हम तो करने वाले हैं नहीं सब भगवान है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो हाल ही में बोधि ट्री और आपके प्योर डिवोशन फाउंडेशन ने जो मातृ कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसका अनुभव कैसा? उसका बहुत बड़े बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें आए थे, काफी कॉर्पोरेट्स लोग भी आए थे, और उनके सामने ये वृंदावन की जो प्रॉब्लम्स है वो रखी गई, और उन सब लोगों ने कमिट भी किया है कि वो लोग शेल्टर होम्स के लिए हेल्प करेंगे, और मेरे को लगता है कि उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन माताओं की जो प्रॉब्लम्स है अभी तक वो सोसाइटी को पता ही नहीं थी। और बड़े दुख की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं करती, और अगर देखा जाए हमारे पास कई बार साल में 2-3 बच्चे अमेरिका से आते हैं,
अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अभी रिसेंटली वर्जीनिया कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कोई आया था, ऑक्सफोर्ड से भी बच्चे आके गए हैं हमारे पास, जो इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं रिसर्च। तो हाँ, तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृंदावन की विडोज के ऊपर पीएचडी के कोर्सेज बाहर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में भी हैं। तो उन्होंने बोला ये कोर्सेज वहाँ पे आज से नहीं है, मुझे लगा अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए होंगे, ये कोर्सेज वहाँ पे हमारी देश के आज़ाद होने से पहले पहले के वहाँ पे कोर्सेज आएंगे उन यूनिवर्सिटीज में, मोर देन 50 ईयर्स हो गए ये कोर्सेज वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। तो वो लोग इन प्रॉब्लम्स को जानना चाह रहे हैं क्या है क्या नहीं, और बट हमारी गवर्नमेंट इसकी और बिल्कुल आँख बंद करके बैठी है। और धीरे धीरे सबसे बड़े दुख की बात यह है कि चलो जो माताएं आ गई सो आ गई, अब हम ये नहीं चाहते कि और माताएं आएं, लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है और लोगों का जो शॉर्ट टेम्परनेस है वो बढ़ती जा रही है, पेशेंस कम होती जा रहे हैं, तो घरों में जो ये क्लेश है ये बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। और जैसे ही क्लेश होता है सीधा माँ को घर से बाहर निकालो, और वो भी बेचारी उसके ऑप्शन भी क्या रहता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इसका मूल कारण क्या है, कैसे हम ये माताओं को बेघर होने से बचा सकते हैं? इसका मूल कारण तो संस्कार ही है। अगर बच्चे को बचपन से ही संस्कार दिए जाए तो मुझे लगता है कि अगर उसका संस्कार का ही वहाँ पे कोई ना कोई मिसिंग है तभी ये सब हो रहा है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते, माता पिता भी अपना पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को संस्कार देने में। फिर कमी कहाँ पे आती है? कमी यहाँ पे आती है असत्संग। असत्संग को आप इंग्लिश में बोलेंगे, जब हम स्कूल में होते हैं पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चों की संगति करना, बट जो बुरे बच्चे हैं उनसे दूर रहना जो गलत काम करते हैं। तो जो बैड एसोसिएशन है ये सबसे बड़ा एक मूल है, कि जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं सिखाते। सारे बच्चे गलत चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से ही सीखते हैं। और कहाँ से सीखते हैं? अपने दोस्तों से सीखते हैं, कॉलेज में भी आके अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। तो ये जो बैड एसोसिएशन है ना, ये एक बहुत वर्स्ट थिंग है, जो कि हमारी पूरी चित्तवृत्ति को, हमारे पूरे संस्कार को, जो हमें मिले भी होते हैं सबको पूरा का पूरा पानी में बहा देती है। तो ये इसलिए हमारे शास्त्र हमेशा बोलते हैं असत्संग त्याग, कि हमें हमेशा असत्संग को त्यागना है। और भागवत में तो एक श्लोक आता है जिसमें यह तक बताया गया है कि एक व्यक्ति वैकुंठ जाएगा या यमराज जी के पास जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके संघ के ऊपर। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अगर कोई व्यक्ति नारद जी का संग कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा, और अगर कोई व्यक्ति कंस का संग कर रहा है तो समझ सकते हैं वो कैसा होगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे संघ के ऊपर। तो बच्चों की परवरिश में जो पेरेंट्स उनको अच्छे संस्कार देते हैं, तो एट द सेम टाइम उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं असत्संग में ना पड़े, क्योंकि वहीं से ही उनके संस्कार खराब होना शुरू होते हैं। और वो ही एक एज होती है जब उनके संस्कार बन रहे होते हैं, उसके बाद फिर चेंज नहीं होता व्यक्ति, बहुत कम चांसेस होते हैं। एक चीज और मेरे जहन में आती है कि जब आप संस्कारों की हम बात करते हैं तो संस्कार और कृष्ण भक्ति को कैसे साथ में जोड़ के आगे चला जा सकता है, किस तरह से ये हमें प्रेरित करते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे हम भक्ति और संस्कार को एक साथ में देख सकते हैं। भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें बता रहे हैं कि यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है उसके अंदर सारे गुण, देवताओं के सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। और इसका विपरीत क्या बताया, यस्य अस्ति भगवति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतः महत् गुणेन। जो हरि का अभक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके अंदर किस प्रकार से आप ऐसे गुणों को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आए? मनोरथेन अस्ति भावतो बही। वो तो क्या करता है, अपने मन रूपी रथ पे बैठ के भागता रहता है, जहाँ मन भगाएगा वहाँ भागता रहेगा। तो इसलिए अगर किसी के पास भगवान की भक्ति है तो ये स्वाभाविक है कि सारे गुण, इसलिए चैतन्य चरितामृत एक हमारा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कृष्ण क्या करते हैं, अपने सारे गुणों को अपने भक्त के अंदर संचार करते हैं। कृष्ण अपने ही सारे गुणों को अपनार गुण कृष्ण भक्ते संचारेण सकल। कृष्ण अपने सारे गुण क्या करते हैं, अपने भक्तों के अंदर संचारित कर देते हैं। तो जो जिसको फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर उसके गुण आएंगे, फॉलो करने का अर्थ ही क्या है। तो अगर कोई राम जी की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, भगवान विष्णु के उपासक हैं, उनके अंदर आपको इस प्रकार की बैड एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बचपन से ही उनकी जो रूट्स है वो धर्म से जुड़ी हुई है। और जिनकी रूट्स धर्म से बिल्कुल अलग हैं तो डेफिनेटली उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो तो जैसी हवा आएगी उस तरफ बह निकलेंगे।
बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर बात आपने कही। तो एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रियलिटी विथ रीत के थ्रू क्या संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो एक सिंपल सा संदेश पहुंचाना चाहूंगा जो हम हर जगह सबको बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति रही है ये माला। ये माला जो है, नाम जप जो है, हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हमारे जितने भी संत आए हैं भारत में, चाहे अगर हम देखें वो गुरु नानक जी थे, चाहे वो रहीम जी थे, चाहे वो प्रहलाद महाराज जी थे, अमरीश महाराज जी थे जिन्होंने, तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, भागवतम जिन्होंने लिखी, वेद व्यास जी, हमारे जितने भी ग्रंथ जो सारे प्रकाशित हुए हैं, इनके जो मूल आचार्य हुए हैं, फिर चार संप्रदाय के चार मूल आचार्य, भारत में चार संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, तो जितने भी साधु हुए हैं भारत में, वो सब राजस्थान की, मीराबाई आप राजस्थान से हैं, वो सब एक ही मैसेज देखे गए हैं। उनके मैसेज में कहीं भी कोई ड्यूअलिटी नहीं है, सबका एक ही मैसेज है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम आवाज लगाऊं गली गली। तो हमारे सब आचार्यों ने यही बोला है भगवान का नाम जप करने के लिए, और कलयुग जो एकमात्र कलयुग का जो साधन है वो है नाम जप। और इवन भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कलेर दोषा निधे राजन अस्ति। कलयुग जब प्रवेश किया था, कलयुग से पहले वाला युग था द्वापर, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, किनके सामने आया, परीक्षित महाराज जी वो अंतिम राजा थे जिनके सामने द्वापर खत्म हुआ और कलयुग आया। तो उनको सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला था कलयुग आ गया है आपके सामने, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति, कलयुग के अंदर चारों ओर केवल आपको दोष ही दोष दिखेंगे। इवन आप मंदिरों में भी जाते हो वहां पर भी हमें दोष ही नजर आते हैं और देखने को मिलता है। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति ही एको मत गुणा, तो भाई कलयुग में कोई तो गुण होगा, बोला कलयुग में केवल एक गुण है, बस केवल एक, और वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। अगर कोई कृष्ण का कीर्तन करता है उसकी मुक्ति अनायास ही हो जाती है। तो कलयुग में केवल एक गुण है और वो है भगवान का नाम जप, और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हमें क्या मिला, जो मूल वस्तु है वही हमने खो बैठी। तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि नाम जप करें, और वही कलयुग का एकमात्र साधन है, और उसी से हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है, नाम जप। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, भगवान के पास, और कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं, नाम के रूप में। तो जब आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये तो बहुत सही, यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आए, जुड़े और इस उद्देश्य का, इस मुहिम का पार्ट बने। क्योंकि कहते भी हैं कि माँ के बिन कोई घर ना हो और कोई माँ कभी बेघर ना हो। तो वो जो आप बेघर बेसहारा माओं के लिए कर रहे हैं, वो जो काम आप कर रहे हैं उसकी तुलना या फिर कोई कर भी नहीं सकता, उसकी तारीफ भी, अगर तारीफ में भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़ेंगे उतना ही ये काम और ज्यादा सराहनीय होता जाएगा। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने रियलिटी विथ रीत के लिए अपने कीमती समय से कुछ पल चुराए और आज हमारे इस शो का हिस्सा बने। हरे कृष्णा, आपका भी धन्यवाद कि आपने मैसेज लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। हम तो वो छोटा सा जरिया बने हैं कि हम आपका जो मैसेज है हम लोगों तक पहुँचा पाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात कुछ नहीं होगी। हरे कृष्णा, ये एक छोटा सा भेंट रियलिटी विथ रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वी वॉन्ट सच पॉडकास्ट मोर एंड मोर दैट फोकस ऑन अपलिफ्टिंग द सोसाइटी ओवरऑल एंड सेविंग द मैनकाइंड फ्रॉम दिस डिवास्टेशन कलयुगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा।